द सर्कुलर मोशन, पैरामीटर्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। क्या मतलब इसका? पैरामीटर यहां पे, इससे पहले हमने कहा था कि एक सर्कल का जो सर्कम्पीरियंस है उसको हम पैरामीटर कहेंगे। यहां पे इससे मुराद है कि पैरामीटर का मतलब है कि जब भी बॉडी मोशन कर रही है तो उस मोशन के साथ साथ कुछ और भी चीजें वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या? जब एक बॉडी रेस्ट पे है, अगर वो मोशन स्टार्ट कर ले, तो मोशन के स्टार्ट करने से उस हम कह सकते हैं कि वो टाइम लेगा, यानी टाइम गुजरेगा। तो टाइम इज अ पैरामीटर विच इज रिलेटेड टू द मोशन, यानी मोशन के साथ और भी जो चीजें जुड़ी हुई है, रिलेट है, उसको हम कहेंगे पैरामीटर। सो वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द मोशन, जनरल अगर हम कहें तो टाइम एक पैरामीटर है एक मोशन का। साथ साथ पहले हम लीनियर मोशन की बात करते हैं। जब एक बॉडी मूवमेंट करे स्ट्रेट लाइन पे, ट्रांसमिटरी मोशन करे, सो जब मैं मोशन कर रहा हूं, अब यहां से जो स्टार्ट मैं ले रहा हूं, अगर मैं स्टॉप वॉच ऑन करूं तो टाइम गुजरेगा। साथ साथ आप लोग देख रहे हैं मैं कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, इट मींस कुछ फासला कवर कर रहा हूं, लेंथ कवर कर रहा हूं, सो इट मींस आई हैव ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव्स अस स्पीड, इसका मतलब है बॉडी का स्पीड भी है। अगर यहां पे मेरा स्पीड कुछ और है, मैंने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया या कम डिस्टेंस कवर किया, इट मींस देयर इज चेंज इन स्पीड। सो जब स्पीड में कुछ चेंज आए, वो भी कुछ टाइम में होगा, सो उस चेंज को अगर हम कहें तो इट मींस द बॉडी हैव एक्सीलरेशन। देखिए टाइम गुजर रहा है, साथ साथ डिस्टेंस भी कवर हो रही है, और साथ साथ जब डिस्टेंस को ले ले, टाइम भी डिवाइड कर ले, उसका रेशियो ले ले, सो इट मींस स्पीड भी है। जब स्पीड में चेंज आ जाए, स्पीड में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट मींस द बॉडी हैव एक्सीलरेशन। साथ साथ अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है, इसकी वेलोसिटी है, अगर मास से प्रोडक्ट कर ले इसका, इट विल हैव अ मोमेंटम। अगर मास ले ले, वेलोसिटी का स्क्वायर ले ले, 2 पे डिवाइड कर ले, इट विल हैव अ काइनेटिक एनर्जी। ये सारी चीजें मोशन से रिलेटेड है। सो दीज ऑल द थिंग्स आर पैरामीटर्स ऑफ द मोशन। लेकिन ये मोशन लीनियर मोशन था, सो उस टाइम लीनियर मोशन में ये टाइम था सिंपल, ये डिस्टेंस था सिंपल। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम डी से या एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ साथ वेलोसिटी थी या स्पीड भी थी उस ऑब्जेक्ट की, एक्सेलरेशन भी मौजूद था, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्सेलरेशन ए से, मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, मोमेंटम था टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी थी। ये सारे जो पैरामीटर्स थे वो लीनियर मोशन के पैरामीटर थे, तो इन सारों को हम लीनियर डिस्टेंस कहेंगे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। यहां पे हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कोई भी बॉडी अगर कुछ सर्कुलर मोशन कर रही है, यहां से फॉर एग्जाम्पल इसका मूवमेंट शुरू हो रहा है, ये यहां तक जो आ रहा है, यहां से बॉडी यहां तक मोशन कर रही है, सो इट विल हैव टेक सम टाइम। इट मींस ये एक पैरामीटर है जो इसके घूम रहा है, इस तरह समझे कि ए से बी तक इस पे कुछ टाइम गुजर रहा है, सो टी टाइम इज दी पैरामीटर ऑफ दी सर्कुलर मोशन। साथ साथ कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, इट मींस इसका डिस्टेंस भी है, उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे नॉट लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, वो हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। और साथ साथ फॉर एग्जांपल ए से बी तक यहां पे बॉडी आ रही है, कुछ स्पीड उसका चेंज हो रहा है, सो इट मींस
there is some change, इसका कुछ acceleration भी होगा, उस acceleration को हम angular acceleration कहेंगे, angular momentum कहेंगे, angular kinetic energy कहेंगे. So we will deal one by one. So पहले तो हम देखते हैं, so what is angular displacement? What is angular displacement? One by one हम पढ़ेंगे. Angular displacement. I have assumed that all the students know that what is the difference between distance and displacement. इन्हें आप लोगों ने डायनेमिक्स में या काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है. So, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसी फिगर को हम दोबारा देखेंगे. ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो आर कहलाता है. इस इनिशियल पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन करें, ज्वाइन कर लिया हमने. इस बी जो पॉइंट है, इस आर का जो ये फाइनल पॉइंट है, इसको भी यहां से ज्वाइन कर ले. अगर कोई कहे एक बॉडी इस आर्क पे, इस कर्व पाथ पे मूवमेंट कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है तो हम कैसे मालूम करेंगे? सिंपली हम उसको कहेंगे ये जो आर्क है इसका इनिशियल पॉइंट भी सेंटर से ज्वाइन करे और जो फाइनल पॉइंट है वो भी सेंटर से ज्वाइन करे. अब अगर ए और बी देख ले, इस यहां पे कुछ कॉर्नर आ रहा है, इस दो लाइन सेगमेंट के आपस में यहां पे कुछ हमें एंगल होगा, अगर वो एंगल हम मालूम करें सो वी कैन से दैट वी मेजर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो वी कैन से दैट द एंगल मेड, कौन बनाई एंगल? द एंगल मेड बाई एन आर्क. वो जो कर्व पाथ है, वो जो आर्क है, उसने जो एंगल बनाया हो, उस एंगल को अगर हम मेजर कर ले सो वी हैव मेजर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो वी विल मेजर या वी विल रिप्रेजेंट दैट एंगल बाय अ ग्रीक लेटर कॉल्ड थीटा. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर थीटा. इट इज रीडेड एज थीटा, नॉट थीटा. सो theta is the representation for angular displacement. What is angular displacement? The angle made by a curve, made by an arc. Arc ने जो angle बनाया हो, वो angle अगर हम measure कर लें, उसको हम angular displacement कहेंगे. So we will measure this theta in unit is, we will measure this theta in degree as well as radian, minute as well as second. We will deal one by one, degree, radian, minute and second. Radian आप लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर में, या हम वो उसका अलग है लेक्चर बनाएंगे. सो आई विल डिस्कस डिग्री, मिनट एंड सेकंड. सो यहां पे हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ याद कर लें कि मिनट और सेकंड, डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन में हम कह सकते हैं, वो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम मेजर कर सकते हैं या उससे हम मेजर कर सकते हैं. वो हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ये ग्रीक लेटर है. So theta is measured in radian, degree, revolution, इसके अलावा minute और second में भी हम measure कर सकते हैं, minute and second में भी. So here we will discuss radian and degree. So पहले degree की तरफ आते हैं कि degree किसे कहते हैं. So if we divide a circumference, if we divide a circumference, इस length को हम
कल भी हमने कहा था कि इस लेंथ को हमने पैरामीटर कहा, इस लेंथ को हमने पैरामीटर या सर्कम्पीरियंस कहा। अगर हम सर्कम्पीरियंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इफ वी डिवाइड ए सर्कम्पीरियंस, इफ वी डिवाइड अ सर्कम्पीरियंस into 360 equal parts, then the पहले हम अब इस सर्कल को 360 equal parts में हम नहीं तकसीम कर सकते, लेकिन फिर भी तकसीम होता है। सपोज करते हैं एक पॉइंट ये है, एक ये है, इस तरह से एक ये, वापस आते वक्त या वापस आते समय यानी 360 इक्वल पार्ट्स में हमने तकसीम किया है। सपोज किया हमने, अब ये है सेंटर, ये भी एक आर बन गया, ये यहां से यहां तक ये जो छोटा हिस्सा है इसको मैं जूम करता हूं, यहां से यहां तक ये हो गया आर्क, ये हो गया सेंटर, ये इसके साथ जॉइन कर ले और ये इसके साथ जॉइन कर ले। सो अगर हम एक सर्कम्फेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करें और दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो जो थीटा है वो हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। फिर से इफ वी डिवाइड अ सर्कम्फेरेंस इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, अगर हम एक सर्कम्फेरेंस को 360 इक्वल हिस्सों में तकसीम करें तो दो हिस्सों में यानी दो हिस्सों के दरमियान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी जो थीटा हमने कहा वो थीटा 1 डिग्री कहलाएगा। देन दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आर्क विल बी क्या, कितना होगा, विल बी 1 डिग्री। और डिग्री को हम वो जो नंबर है उसके ऊपर एक स्मॉल जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर की शक्ल में वो लिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। इफ यू डिवाइड अ सर्कम्फेरेंस इनटू 360 इक्वल पार्ट्स देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कंसेक्यूटिव आर्क विल बी 1 डिग्री। तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा को हम 1 डिग्री कहेंगे। अब इन दोनों के दरमियान भी 1 डिग्री, इन दोनों के दरमियान भी 1 डिग्री, टोटल 2 डिग्री, इस तरह से 4 डिग्री, 1, 2, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, इस तरह से हमने 360 इक्वल हिस्सों में तकसीम किए हैं। अगर 1 डिग्री को हम ऐड कर दें फिर यानी 360 डिग्री और भी बन जाएगी, यानी 360 यानी हम कह सकते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्री है, इसलिए हमने 360 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया। हर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो हर एक आर्क के दरमियान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 1 डिग्री है, तो सबको जब हम सम करेंगे अगेन वही 360 डिग्री हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल में टोटल जो डिग्री है वो 360 डिग्री है और हर एक छोटे हिस्से में जो आर्क हमने बताया उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 1 डिग्री कहलाएगा। सो दिस इज 1 डिग्री। अब हम आते हैं रेडियन की तरफ। अब इससे पहले जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम उसकी डायरेक्शन की बात कर ली यानी यहां पे डायरेक्शन का मतलब कि पॉजिटिव कहां लेंगे और नेगेटिव कहां लेंगे, अगर हम इस तरह से मूवमेंट कर ली एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह से मूवमेंट कर ली, ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज। अगर हम यहां से थीटा को माइनस कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लेंगे, और जो अगर यहां से माइनस कर रहे हैं यहां से पर मतलब यहां तक इस तरह से तो ये जो थीटा है उसको हम नेगेटिव लेंगे। ये सिंपल साइन कन्वेंशन है, यानी साइंटिस्ट लोगों ने पहले से ये एज्यूम किया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज हम जाए तो उसको पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेंगे।
ये जो क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, इसका और एक रीजन भी है, वो हम टॉर्क केस में हम पढ़ेंगे जब वेक्टर पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिग्री के अलावा रेडियन भी हम मेजर करेंगे। सो व्हाट इज रेडियन, पहले वन रेडियन की तरफ आते हैं। So the angle made by an arc whose length is equal to the radius of the circle. एक arc ले रहे हैं, एक arc ले रहे हैं, लेंगे हम। ये हो गया A से B तक ये arc। यहाँ पे लिखते हैं A B R. This is arc and OA is radius. OA is radius. So एंगल, वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तब वन रेडियन कहलाएगा जब इस आर का जो लेंथ है, अगर आर है एक सर्कल का पार्ट है, पार्ट होगा, अगर इस लेंथ का, इस आर की लेंथ अगर बराबर हो, इस आर, ये जो आर है इसका लेंथ अगर बराबर हो इस सर्कल के रेडियस के, वैसे ये आर्क सर्कल का एक हिस्सा है, हमने एक सर्कल कंप्लीट किया, यहां तक ये आर्क हो गया, अगर आर्क का लेंथ रेडियस के लेंथ के बराबर हो तो तब हम कहेंगे इस आर्क के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वन रेडियन कहेंगे। सो द एंगल मेड बाय एन आर्क विल बी वन रेडियन इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस लेंथ। Then we will say this angle is, this angle of displacement is 1 radian. So 1 radian के लिए शर्त ये है कि arc length radius के बराबर हो, कम या ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा हो arc length इससे ज्यादा हो तो 1 radian से ज्यादा होगा, अगर arc length इस radius से कम हो यहां तक हो तो 1 radian से कम होगा आपका angle, 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यहां पे OA is radius हमने लिखा और AB जो arc length है वो भी radius के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 1 radian का जो definition है वो यही है कि arc length और radius length बराबर हो। तो हमने लिखा AB arc और OA दोनों radius के बराबर है, तब हमारे साथ angle जो है AOB वो 1 radian के बराबर हो। तो इसलिए हमने लिखा the angle AOB is equal to 1 radian। ये sign angle के लिए है, geometry में हम angle के लिए ये sign लिखते हैं। So this is the 1 radian। 1 radian के बारे में और ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे यहाँ पे, वो पहले चैप्टर में हम इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यानी क्या रिलेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। यानी ये जो मेन फॉर्मूला है s इज इक्वल टू r थीटा वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए तो पहले हमें रेडियन की जरूरत है, इसलिए हमने रेडियन डिस्कस किया। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि OA length is r, AB is r also, so we can say that angle AOB is equal to 1 radian. Radian को हम simply RAD से represent कर सकते हैं। So next we will assume that BC, ये जो arc है अब ये radius के बराबर नहीं है, हमने अपनी तरफ से S कुछ assume किया है, रेडियस के बराबर ना हो, इससे कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने सपोज किया कि BC, ये जो आर्क है इसका जो लेंथ है वो हमने सपोज किया S, तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे दैट BC आर्क, आर्क को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां पे हमने लिखा S, और यहां पे जो BC आर्क है इस सेंटर के साथ कितने डिस्प्लेसमेंट यानी कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना रहा है, यानी कितने एंगल बना रहा है, तो उसको हम सपोज करते हैं कि B
बी ओ सी इज थीटा। अब वो रीडिंग नहीं है, कोई और एंगल भी हो, कोई और एंगल है, लेकिन हमें पता नहीं। जब हमें पता नहीं तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बी ओ सी इज इक्वल टू थीटा। अगर कोई चीज मालूम ना हो, अगर लेंथ हो तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे या एस से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एंगल है तो ग्रीक लेटर उसके लिए हम थीटा से हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। बीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गामा वगैरह वगैरह, लेकिन अमूमन ये ज्यादातर यूज होता है तो हमने थीटा यूज किया। फिर क्या आते हैं, दैट ओ इज आर, ए बी इज ऑल्सो आर, then A O B is one radian। अब हमने BC का BC एक arc arc ले लिया, उसको हमने suppose किया S से, और ये जो arc है BC ये इस center के साथ कुछ angle बनाएगा, वो हमने theta से represent कर लिया। यहाँ तक ये हो गया। अब जो main जो formula है वो हम उसकी तरफ आते हैं। इससे पहले इस diagram से हमने ये चीजें देनी है। अब हम एक मैथमेटिक्स का थ्योरम यूज करेंगे। वो थ्योरम किस चीज के मुतालिक है, वो थ्योरम एंगल और आर्क लेंथ के मुतालिक है। किस तरह है वो थ्योरम ये है कि द आर्क लेंथ रेशो, क्या मतलब, यानी दो आर्क होंगे एक को दूसरे पे डिवाइड करना, इसलिए हम कह रहे हैं कि आर्क लेंथ रेशियो, आर्क लेंथ रेशियो विल बी इक्वल टू, किस चीज की इक्वल होगा, आर्क लेंथ जो आर्क है, दो लेंथ है, दो आर्क है, एक ए बी है एक बी सी है, एक को ले ले दूसरे पे डिवाइड कर ले, वो किस चीज की इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टू देयर, आर्क लेंथ रेशियो विल बी इक्वल टू their corresponding angle ratio। क्या मतलब, वो जो दो आर्क है एक को दूसरे पे डिवाइड कर ले, उसका रेशियो ले ले, वो इक्वल होगा किस चीज के, उस यानी वो जो आर्क थे उनकी जो corresponding angle है, corresponding का मकसद है जो आर्क आपने न्यूमेरेटर में लिया है उसी को इक्वेशन के राइट साइड में भी उसी आर्क का जो एंगल है उसी को न्यूमेरेटर में लेना होगा। कैसे, अब हम ये देख लेते हैं। अगर सपोज हम ए बी आर को न्यूमेरेटर में लेते हैं, इस तरह से ए बी को हमने डिवाइड किया बी सी आर्क पे, तो ये बराबर होगा किस चीज के, ए बी का जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो न्यूमेरेटर में लिखना होगा। सो ए बी का जो एंगल है, ये देखिए ए बी का जो एंगल कोरेस्पॉन्डिंग है वो क्या है, ए ओ बी, सो वो है 180। सो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी, और बी सी का जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, जो आर्क है बी सी एस का जो इक्वल है, उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या है, एंगल बी ओ सी, सॉरी हमें हार्ट की बी ओ सी, सो एंगल बी ओ सी, ये इस चीज का, यानी वो जो थ्योरम हमने बताया वो हमने मैथमेटिकली इस तरह से देखा, आर्क लेंथ रेशियो विल बी इक्वल टू देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयर कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है जो न्यूमेरेटर में आपने आर्क लिए हैं उसी का एंगल आप न्यूमेरेटर में लेंगे, जो डिनोमिनेटर में आर्क आपने लिए हैं वही यानी उसी का आपने कोरेस्पॉन्डिंग एंगल डिनोमिनेटर में लेना है। इस तरह से गलत होगा, अगर ए बी को आप ले लो और बी उसी को यहां पे लिया है तो फिर यहां से जो लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन होगा और राइट साइड पे जो फ्रैक्शन होगा दोनों इक्वल नहीं होंगे। आप चेक भी कर सकते हैं खुद, इसी को ले लें कि ये यहां पे इसको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ले लें, इसको भी 2 सेंटीमीटर ले लें, यहां से ये अपनी तरफ से ले और ये एंगल मेजर कर लें,
सब ये सारा डेटा उसमें पुट कर लेंगे तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आंसर इक्वल आएगा। सो नाउ वी विल जस्ट पुट दीज जो आर्क लेंथ है उनकी जो वैल्यूज है जो हमने रिप्रेजेंट की सिंबॉलिकली लेटर से वो यहां पे पुट कर ली। सो पुटिंग वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज हम नहीं कह सकते लेकिन हम सिंबल कह सकते हैं जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सो ए बी को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, आर से लिख लिया हमने। बी सी को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, एस से, एस भी लिख लिया हमने। इज इक्वल टू ए ओ बी जो एंगल है वो हमने 1 रेडियन लिखा है, 1 रेडियन ये 1 रेडियन। और एंगल बी ओ सी इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। फिर से ए डी को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, बी सी को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था, एंगल ए को हमने 1 रेडियन रिप्रेजेंट किया था, और एंगल बी ओ सी जो थीटा से हमने रिप्रेजेंट किया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। सो नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेलिटी के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों फ्रैक्शन है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उनका कर सकते हैं। सो कैसे करेंगे, थीटा को इस आर से मल्टीप्लाई कर ले, सो ये बन जाएगा आर इंटू थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू एस, वो बन जाएगा एस, एस इंटू 1 इज एस। अब ये रेडियन कहां चले गए, रेडियन इसका मतलब है कि आपने जो थीटा ले रहे आपको वो हम रेडियन में लेंगे, यानी जो एंगल आप मेजर करोगे वो हम रेडियन में हम लेंगे। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। सो इसका मतलब है एस क्या था, एस आपका जो वो आर्क था, आर्क जो लेंथ था जो अननोन था, अगर आपने एस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, दो चीजें आपको नोन होनी चाहिए, वो क्या, एक उस सर्कल का रेडियस और दूसरा वो जो आर्क का आर्क ने जो एंगल बनाया है वो एंगल आपको नोन होने चाहिए। यानी जब भी ये जो दो चीजें हैं आर और थीटा अगर आपको मालूम हो तो आप एस फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। सो सिंपली ही कैन ड्रॉ डायग्राम हियर, फॉर एग्जांपल दिस इज एस एंड दिस इज आर एंड दिस इज थीटा, इफ यू फाइंड एस जस्ट डू द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड थीटा, सो वी विल गेट दिस आर्क लेंथ। इन आर्क लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं, उसका रेडियस ले और उसका जो एंगल उसने बनाया है उसका थीटा जो हमने रिप्रेजेंट किया है उस थीटा से वो ले ले, सो वी विल फाइंड एस।